Assalamu alaikum viewers, I am Mehreen Naam and I am the focal person of Parwane Khadim Sawabi chapter. और आज हम आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक यंग यूट्यूबर है, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है. तो चलिए उनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू. जी थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें. जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इधर इनवाइट किया. मेरा नाम सजीला सईद है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब मुझे सजल मलिक नाम से जानते हैं. मैं सोआबी के पी के से हूँ और एक पुशोन घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक यूट्यूबर हूँ. ओके, थैंक यू. सजीला, थोड़ा सा आप हमें अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने इसको स्टार्ट किया. तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. तब मुझे कोई आइडिया ज़्यादा इसके बारे में नहीं था, बस मेरे भाई ने बताया और मैंने शुरू कर दिया था. फिर वक्त के साथ साथ मैंने सीखा, मैं सीखती गई, कुछ मेरे व्यूवर्स ने मुझे टिप्स दिए हैं और कुछ मैंने बाकी यूट्यूबर्स से सीखा. तो इस तरह से होते होते फिर आखिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मैंने जो है फॉलोइंग हासिल कर ली है यूट्यूब पे. अच्छी अच्छी. तो आप स्पेसिफिक किस फील्ड की वीडियोज़ बनाती हैं, मतलब आपका फील्ड क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हवाले से वीडियोस बनाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, असल में मेरे चैनल पे कुछ इस तरह से ना कि मैं उन्हें ऑफर करती हूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे चैलेंज दें, मैं वो एक्सेप्ट करूँगी, आप जो भी चाहते हैं मैं वो बनाऊँगी. तो फिर बीच बीच में वो क्या हुआ कि वो मुझे कॉस्मेटिक्स के लिए भी चैलेंजेस करने लगे ना कि आप लिपस्टिक बनाएं, आप जेल बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं. तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो ये एक अलग फील्ड है और कॉस्मेटिक्स जो है वे बिल्कुल अलग फील्ड है. तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए फिर एक दूसरा चैनल होना चाहिए. तो फिर मैंने एक दूसरा चैनल बना लिया. तो अब जो है मैं यूट्यूब पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हवाले से भी वीडियोस बनाती हूँ और ब्यूटी से रिलेटेड भी बनाती हूँ. अच्छा, इसका मतलब है आपके 2 यूट्यूब चैनल. जी हाँ, मेरे फिलहाल चल रहे हैं. गुड, वेरी गुड. तो आपको कैसे ये आइडिया आया कि आप जो है यूट्यूब चैनल जो है आप स्टार्ट करें? और अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको शुरू से ही बता देती हूँ. बचपन से ना मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के हवाले से ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद था. मैं बहुत ये क्रिएटिविटी किया करती थी ना, घर में भी कोई रद्दी चीज़ मैं देखती थी उठा के ले आती थी अपने रूम में और उसका मैं कुछ और बना लेती थी, डेकोरेट करती थी. तो फिर क्या हुआ कि साथ में मुझे पता नहीं था कि ये भी एक फील्ड है, एक स्किल है जो मेरे पास है, मुझे इस पर काम करना चाहिए या इसमें कोई कैरियर बन सकता है मेरा. तो मैं करती थी साथ में, लेकिन इसको ज़्यादा संजीदा मैंने कभी नहीं लिया था. तो फिर जब कॉलेज तक मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने भाई से कहती थी ना कि भला मैं क्या करूँगी, पढ़ाई तो मैं कर रही हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ती थी. तो मैंने कहा मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ लेकिन इसमें आगे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँगी, मेरा करियर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा. तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप यूट्यूब चैनल बना लो, आपको वैसे भी क्राउड्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे बहुत पसंद है, मैं कहती थी ना कि हर दिन मैं कुछ नया करूँ, कुछ नया बनाऊँ, एक ही रूटीन ना हो मेरी. तो फिर उसके बाद जो है मैंने चैनल बना लिया था. अच्छा जी, तो इस सिलसिले में आपको कोई हर्डल्स पेश आई? नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भाइयों का सपोर्ट मौजूद था, घर वालों का भी था, तो इसलिए कोई ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं. सपोर्ट किसका था आपका इस फील्ड में? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बड़े भाई का था. अच्छा जी, तो इसके अलावा आप ये बताएं कि सवाबी जैसे एरिया में आप जो है एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि फीमेल्स के लिए इसमें कोई मैसेज है? जी हाँ बिल्कुल, जो भी लड़कियाँ जो है वो वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड है ना, घर में काम करना चाहती हैं, या कुछ लड़कियाँ मेरी तरह जो पढ़ाई करती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर हमने आगे क्या करना है, या जॉब किसी को नहीं मिल रही ना. जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग डिग्रियाँ ले के ना बस वो डिग्री हाथ में ले के फिर रहते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है. तो ऐसे लोगों के लिए जो है यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है. किसी के पास कोई भी स्किल हो, चाहे वो टीचिंग करता हो या उसके पास कोई स्किल हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट्स के वजह से टीचिंग, कुकिंग, कुछ भी हो, ब्यूटी से रिलेटेड, जिसके पास जो भी टैलेंट हो उस टैलेंट को आके जो है यूट्यूब पे दूसरों के सिखा सकता है और उससे फिर वो मतलब अपना अच्छा खासा करियर वो स्टार्ट कर. सजीला, आपने ये बात की तो हमने सुना है कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है, क्या ये बात सच है? जी हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है. तो सबकी हो सकती है, बस कुछ उनकी पॉलिसीज़ होती है यूट्यूब की, उसको लेके चलें, आप कोई वायलेशन वगैरह ना करें तो फिर चैनल मोनेटाइज हो जाता है और उससे अच्छी खासी अर्निंग होती है फिर. गुड, ओके ओके. सजीला वालिक, आप मुझे ये बताएं
जो आप ये YouTube वीडियोस बनाती है, आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आपको पता है मोस्टली फीमेल्स जो है वो घर का काम भी करती है, वो इतना मतलब उनके पास फारिग टाइम नहीं होता, तो आप कैसे उनके लिए ये मैसेज देंगे कि वो इस चीज़ को अरेंज करें, बैलेंस? अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले तो मुझे थोड़ी मुश्किल होती थी ना, लेकिन अब टाइम के साथ साथ मैंने अरेंज कर लिया है सब कुछ, मैं मैनेज कर लेती हूँ टाइम। मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग टाइम में जब मैं उठती हूँ तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं सुबह सवेरे अपना काम शुरू कर देती हूँ। सुबह सवेरे काम शुरू करने में ये होती बरकत होती है ना, तो बंदा कम टाइम में ज़्यादा काम कर लेता है। तो मैं क्राफ्ट्स के लिए जो वीडियोज़ बनाती हूँ यूट्यूब के लिए, वो मैं मॉर्निंग टाइम में बना लेती हूँ, और जो एडिटिंग होती है वो अक्सर मैं दोपहर में या रात में करती हूँ, और बीच बीच में मैं घर के काम भी करती हूँ, मम्मी की हेल्प भी करती हूँ, और बाकी जो मतलब फैमिली को भी टाइम देती हूँ, सब कुछ मैं कर लेती हूँ, अरेंज हो जाता है जी। इसका मतलब है शौक का कोई मोल नहीं है, अगर कोई करना चाहते हैं तो किसी भी वक्त जो है। वैसे भी ना, जब आपको आपके काम का जुनून होता है ना, जब आप वो काम करने बैठते हो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजरा। कहते हैं ना कि अपने आपका जो काम होता है ना, अगर आपको उससे मोहब्बत है तो आपको जब वो काम करने लगते हो ना, आपको ना टाइम गुजरने का पता चलेगा, ना भूख प्यास का पता चलेगा, ना ही थकन का एहसास होगा। तो सेम ही मेरे साथ भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा सजल मलिक, आप मुझे ये बताएं, आप इस फील्ड में कब से हैं? मुझे 2 साल होने को है इस फील्ड में। तो वैसे मैं तो हूँ 2 साल से, लेकिन असल जो कामयाबी मुझे मिलना शुरू हुई है YouTube पे, ये मुझे तकरीबन पिछले 4-5 महीने से, क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले ही वो वक्त आया जब मैंने अच्छी तरह से YouTube को समझ लिया कि किस तरह से अपनी वीडियो को रैंक करते हैं, किस तरह से जो है वीडियो बनाते हैं। पहले तो मैं वो ट्राईपॉड भी ऐसे अजीब अजीब रख देती थी ना, टेढ़ी मेढ़ी वीडियो होती थी, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैंने 0 से बिल्कुल शुरू किया था ना, मुझे कुछ भी यूट्यूब के मुतालिक नहीं पता था, तो साथ साथ में मैं सीखती गई। तो अभी ये 4-5 महीने पहले जो है मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ें सीख ली, और सही प्रॉपर जो काम करने का तरीका यूट्यूब पे वो मैंने शुरू किया, तो उसके बाद से मुझे फिर ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। अच्छा सजल, अगर इस फील्ड में कोई फीमेल आना चाहती है, एक क्रिएटिव फीमेल है, तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहती है? वो इस चीज़ का शौक रखती है और वो एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहती है, तो आपके ख्याल में वो उसको क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो सबसे पहले तो उसे ये करना चाहिए कि उसे ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं या नहीं हैं, मेरे मतलब कहते हैं ना कि डू इट नाउ और नेवर, बस आप शुरू करें, आप शुरू करें जिस तरह से भी आपसे हो सकता है। आप एक दफ़ा स्टार्ट लेंगी तो साथ साथ में आपको चीज़ें जो हैं वो मिलती जाएंगी, आपको आइडियाज़ भी आते जाएंगे। तो आप, और दूसरी बात यह है कि आपने जो है ना जज्बा आप में होना चाहिए, कभी भी आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि कोई भी आप लाइफ में कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको डायरेक्ट जो है कामयाबी नहीं मिलती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात आती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके रास्ते में आएंगे, आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यूं ही आपको जो है इस तरह के जुमले बोलते हैं, अच्छा इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आपको आपके रास्ते में हायल होने की कोशिश करते हैं, तो आपने उन लोगों को खातिर में बिल्कुल भी नहीं लाना है, बस आपने अपने रास्ते पे जाना है, आपने अपनी मंजिल अपना गोल सेट कर लें, उस पे आपने सीधा जाना है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रोफेशनल बन जाते हो, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल इंसान जो होता है, मास्टर जो होता है वो कभी शागिर्द होता है, वो कभी बिगिनर बिगिनिंग लेवल का होता है, फिर एक दिन वो जो है ऐसे होते होते मास्टर बन जाता है। अच्छा आपने व्यूवर्स की बात की, आपने कमेंट्स की बात की, तो क्या हम जान सकते हैं आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? जी हाँ, मेरे सजल्स आर्ट चैनल पे जो कि क्राफ्ट्स के हवाले से, उसमें मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और Very जो good. जी हाँ, और जो मेरे कॉस्मेटिक्स का चैनल है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें मैं बनाती हूँ सजल मलिक नाम से, तो उस पर मेरे 34,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके सजल मलिक, ये जो आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट करती है, ये आपने किसी से सीखा है, कोई कोर्स किया है ये, या वैसे खुद से आप करती है या सर्चिंग करती है इसके लिए? नहीं, मैंने इसके लिए कोई भी कभी भी कोई कोर्स नहीं किया है, ना मेरा कोई टीचर रहा है क्राफ्ट्स के हवाले से। मैं समझती हूँ कि मुझ पर अपने नाम का असर है, मेरा सजीला नाम और सजल दोनों का मतलब है सजने और सजाने वाली, तो मुझे लगता है ये सारा मेरे नाम का ही मुझ पर असर है कि मैं ये सब कुछ कर पाती हूं। नाम का असर होता है। सजीला, आपसे थोड़े से हम रैपिड क्वेश्चंस करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सो हाय लो सजीला। हाय। शल वी? यस, व्हाई नॉट। ओके, मोबाइल फोन और कंप्यूटर? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। वॉच स्पोर्ट्स और प्ले स्पोर्ट्स? प्ले स्पोर्ट्स। स्ट्रेट और कर्ली हेयर? कर्ली हेयर। ओके, हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्रीज? मिस्ट्रीज। ओके, फ्रीडम और हॉप? फ्रीडम। मनी और फेम? Both. Both. Yes. Scooby-Doo and Tom and Jerry?
टॉम एंड जेरी. ओके. फास्ट और पिज्जा. पिज्जा. साइकिल और बॉक्स. साइकिल. ईमेल और लेटर. ईमेल. ईमेल. आर्ट फेस्टिवल और म्यूजिक फेस्टिवल. आर्ट फेस्टिवल. ओके. कंफर्ट और स्टाइल. कंफर्ट. व्हाई? यू आर यूट्यूबर. यस, बट आई लाइक कंफर्ट. हैंडमेड गिफ्ट्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. हैंडमेड गिफ्ट्स. गुड. इंटेलिजेंट और फनी. इंटेलिजेंट. रेडीमेड और होममेड. होममेड. प्राउड और हम्बल. हम्बल. फास्ट और स्लो. फास्ट. लिव इन द पास्ट और प्रेजेंट. प्रेजेंट. बॉस और वर्कर. बॉस और वर्कर. बॉस. हाई स्टडीज और वर्क. वर्क. रिवेंज और फॉरगिवनेस. रिवेंज. प्लांट्स और फ्लावर्स. फ्लावर्स. नाइस कार. नाइस होम इंटीरियर्स. नाइस होम इंटीरियर्स. नाइस कार. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब. यूट्यूब. ईटिंग आउटसाइड और कुकिंग एट होम. ईटिंग आउटसाइड. होम यू डू ट्रस्ट द मोस्ट. होम डू यू ट्रस्ट द मोस्ट. माई ब्रदर फुरकान मलिक. गुड. फेवरेट प्लेस एट होम. ऑफ कोर्स माई रूम. गुड. थैंक यू फॉर आंसरिंग. थैंक यू. तो व्यूवर्स, ये थी हमारी यंग यूट्यूबर क्रिएटिव आर्टिस्ट सजीरा मलिक. उम्मीद है आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा. मिलते हैं इसी तरह अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के साथ, उनकी इंटरव्यूज़ के साथ. स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.